الرحمن الرحیم السلام علیکم। आज की उस वीडियो में हम एक चिड़िया की तीन नसीहतें, ज़िंदगी बदल देने वाली नसीहतें हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल की बटन को लाजमी दबाओ, तो भी वीडियो अपलोड हो जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। एक शख्स ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इत्तेफाक से एक चिड़िया उसमें फंस गई और शिकारी ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने उससे कहा, ए इंसान, तुमने कई हिरन, बकरे और मुर्ग वगैरह खाई है, इन चीज़ों के मुकाबले में मेरी क्या हकीकत है? ज़रा सा गोश्त मेरे जिस्म में है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरेगा। लेकिन अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें तीन नसीहतें करूँगी जिन पर अमल करना तुम्हारे लिए बहुत मुफीद होगा। इनमें से एक नसीहत तो मैं अभी करूँगी, जबकि दूसरी उस वक्त जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर जा बैठूँ। उसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत उस वक्त करूँगी जब दीवार से ओढ़कर सामने दरख्त की शाख पर जा बैठूँगी। उस शख्स के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि न जाने चिड़िया क्या पैदमन नसीहतें करेगी। उसने चिड़िया की बात मानते हुए उससे पूछा, तुम मुझे पहली नसीहत करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चुनांचे चिड़िया ने कहा, मेरी पहली नसीहत यह है कि जो बात कभी नहीं हो सकती उसका यकीन मत करना। यह सुनकर इस आदमी ने चिड़िया को छोड़ दिया और वो सामने दीवार पर जा बैठी। फिर बोली, मेरी दूसरी नसीहत यह है कि जो बात हो जाए उसका आम न करना। और फिर कहने लगी, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मेरे पेट में पाव भर का इंतहाई नायाब पत्थर है। अगर तुम मुझे ज़बह करते और मेरे पेट से उस मोती को निकाल लेती तो उसके फरोख्त करने से तुम्हें उस कदर दौलत हासिल होती कि तुम्हारी आने वाली कई नस्लों के लिए काफ़ी होती और तुम बहुत बड़े रईस हो जाते। इस शख्स ने जो ये बात सुनी तो अफसोस लगा और पछताया कि इस चिड़िया को छोड़कर अपनी ज़िंदगी के बहुत बड़ी गलती की। अगर उसे न छोड़ता तो मेरी नस्लें सुनवार जाते। चिड़िया ने उसे उस तरह सोच में पड़े देखा तो उड़कर दरख्त की शाख पर जा बैठी और बोली, ए बल्लेबाज, अभी मैंने तुम्हें पहली नसीहत की जिसे तुम भूल गई कि जो बात कभी नहीं हो सकती उसका यकीन मत करना। लेकिन तुमने मेरी उस बात का एतबार कर लिया कि मैं चटक भर वज़न रखने वाली चिड़िया अपने पेट में पाव वज़न का मोती रखती हूँ। क्या ये बात मुमकिन है? मैंने तुम्हें दूसरी नसीहत ये की थी कि जो बात हो जाए उसका आम न कर, मगर तुमने दूसरी नसीहत का भी कोई असर नहीं लिया और गम अफसोस में मुब्तला हो गए कि हुआ महा मुझे जाने दिया। तुम्हें कोई भी नसीहत करना बिल्कुल बेकार है। तुमने मेरी पहली दो नसीहतों पर कब अमल किया, जो तीसरी पर करोगी? तुम नसीहत के काबिल नहीं हो। ये कहते हुए चिड़िया फिर से उड़ी और हवा में परवास कर गई। वो शख्स वही कड़ा चिड़िया की बातों पर गौर फिक्र करते हुए सोचों में खो गया। वो लोग खुश नसीब होते हैं इन्हें कोई नसीहत करने वाला हो। हम अक्सर खुद को अकल गुल समझते हुए अपने मुखलिस साथियों और बुजुर्गों की नसीहतों पर कान नहीं धरते और उसमें नुकसान हमारा ही होता है। नसीहतें सिर्फ कहने की बातें नहीं होती कि किसी ने कह लिया, हमने सुन लिया, बल्कि दानाई और दूसरों के तजुर्बात से हासिल होने वाले अनमोल असासे हैं जो यकीनन हमारे लिए मशाल राह साबित हो सकते हैं। अगर हम इन नसीहतों पर अमल भी करें तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा।